यहाँ समाजवादी पार्टी में कुछ सही नहीं चल रहा, परिवार अलग हो गया है, पार्टी अलग हो गई है। क्यों? सिर्फ सत्ता के लिए। कहा जाता है कि राजनीति एक ऐसी कालकोठरी है जहाँ जो भी जाता है उसके ऊपर दाग तो लगना लाजमी है, फिर दाग कैसा भी हो। ऐसा ही कुछ सत्ता के लिए सपा के राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा के संरक्षक मुलायम सिंह और जसवंत नगर से विधायक चचा शिवपाल के बीच में हो रहा है। सत्ता ने इन तीनों के बीच में ऐसी दरार खड़ी कर दी है कि कोई भी ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा है कि इनकी कलह सुलह में बदल जाए। आपको बता दें कि राजनीति में आने के बाद अखिलेश के जीवन में कई बार उथल पुथल हुए, लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब उनके और पिता मुलायम सिंह के बीच दरार पैदा हो गई। आज की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कैसे समाजवादी पार्टी को लेकर के अखिलेश और पिता मुलायम के बीच झगड़ा शुरू हुआ था। वो साल था 2012 और महीना था जुलाई। ये वही महीना और ये वही साल था जिसने इस परिवार में फूट डाली थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने उनके कार्य की आलोचना करते हुए किसके अखिलेश यादव की आलोचना करते हुए व्यापक सुधार का सुझाव दिया तो जनता में संदेश गया कि सरकार तो उनके पिता और दोनों चाचा चला रहे हैं, अखिलेश नहीं। फिर कहते इसके बाद तो पार्टी हो परिवार हो हर जगह तहलका मच गया। फिर इसके बाद जो मनमुटाव शुरू हुआ वो आज तक खत्म नहीं हुआ और इस झगड़े ने पार्टी को टूटने की कगार पर क्या पार्टी को तोड़ दिया और परिवार भी बिखर गया। SP9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।